दोस्तों अब जो है थोड़ा आराम किया दोपहर में, गर्मी बहुत थी आज। अब दोस्तों पानी की बोतल भर ली है और ड्रेस अब नीचे चल के चेंज करेंगे। नीचे उतर रहे हैं, ऊपर से आ गए हैं और दोस्तों गर्मी बहुत है, साथ के साथ ही लेके जानी पड़ेगी ट्रॉली, दो दिन की छुल रही है क्योंकि दोस्तों बीच में पर्ची आनी बंद हो गई थी। तीन दिनों में भी देखो पर्ची नहीं आ रही, ओवरलोड कट रहा भगा भगा भगा। तो दोस्तों अगले साल जो है शुरुआत में हम बड़ी का बॉन्ड रखेंगे, बड़ी ट्रोली का, बड़ा आड़ा 95 वाला। दोस्तों यहाँ मम्मी जी पापा जी घूमने चले गए हैं, मम्मी जी का पल सीम रही है और जो है अंश ने ट्रैक्टर पर सफाई कर दी है, चाबी वाबी लगा दी है। दोस्तों कपड़े चेंज करके फटाफट जो है इसे लिए चलते हैं। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं जी फटाफट। और दोस्तों बबलू भाई शायद अपने जूते पहन गए हैं तो मुझे चलना पड़ेगा, अब स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रैक्टर। दोस्तों लेट हो गए हैं, देखो चौक की नोम मिल गई थी हमें। दोस्तों गांव में कई फार्म ट्रैक नहीं आ गए, कई न्यू लैंड आ गए नए और ट्रैक्टर नए नए आते ही जा रहे हैं। दोस्तों तेल पानी फिट है ट्रैक्टर का, एयर साफ कर दिया अंश ने। चलें जी एक बार नहीं, यहाँ से वेरी गुड। अंश गेट अटा का आजा। नमस्ते जी नमस्ते। दोस्तों डूला अभी नहीं खुला है, एक आध दिन में खुलने वाला है धीरे से। कूटे को बचाते हुए पहुंच रहे हैं हीरो टिंग टोंग। अरे हम तो भूल ही गए थे घंटे बचा गए। दोस्तों जोड़ के चल दिए हैं जी, ये बुग्गी मील पे से खाली होगा आ गई। दोस्तों आज भी दूसरी तरफ से ले चलेंगे इधर से। दोस्तों ये देखो जी चलते हुए भाई की घोड़ी देखो। अच्छा यो हॉर्स का वो कर रहा, हॉर्स राइडिंग का। अच्छा सही है, बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अरे भाई तेरी यो घोड़ी है भी शानदार। दोस्तों इनका जो ये बच्चा है, जो भतीजा है इनका बेटा, ये घोड़ों के कॉलेज में एडमिशन के लिए पेपर देगा। तो ये तैयारी के लिए इसकी घोड़ी परफेक्ट है बिल्कुल। और आप देखे जी मनीष भाई के यहाँ पानी कम हो गया मुंजी में, अब चलते हैं जी फटाफट टिंग टोंग। ये देखे जी मोनू का महेंद्रा आज टिंग टोंग राम राम भाई। ये देखो जी गन्ना कितना उग गया पिछली ट्रोली से अब तक ही, ये है गर्मी की मेहरबानी। और गेहूं देखो कितना आ गया चारों तरफ। इस तरह तो दोस्तों एक हफ्ते में कटाई लग जाएगी गेहूं में अगर ऐसी गर्मी पड़ती रही। दोस्तों इसकी वजह से मुझे फिर घूम कर आना पड़ा क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ खड़ा मिल जाता है। पापा जी खेत में टहल रहे हैं, यहाँ सब सन्नाटा है जी, पब्लिक घूम रही है शाम को, कोई भी किसी भी तरह से काम करने के मूड में नहीं है। और हमारा खेत बहुत ही शानदार भर गया जी, पत्ती सारी ऊपर उठ गई है। अभी रात को ओस पड़ेगी, देखो जी पानी आ गया बहुत बढ़िया। और दोस्तों जैसे बबलू भाई ने पानी दे दिया तो मेरा भी पीछा छूट गया इससे, और ये हाथ निकालने के चक्कर में दोस्तों बहुत ज़्यादा सूख गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी, खेत का रंग उड़ गया था।
लेकिन अभी से पानी आ गया, इसे भी पानी आ गया, क्योंकि दोस्तों अब ये पेडियाँ जो हैं पानी से ही थम भी जाएंगी। तो अब चलते हैं दोस्तों, फटाफट खेत में पहुंचते हैं। मैं पूरा एक घंटा लेट हूँ, तो अब मैं इसे तीसरे में दौड़ाऊँगा वहाँ तक। टिंग टोंग, ये देखो जी सबसे पछेते गेहूँ हैं हमारे एरिए के, इन पर भी झलक आने लगी है। और ये देखो गन्ना, घास की दवाई लगने के बाद निकलने लगा पत्ती में से, एक डेढ़ महीने में पूरे खूड हो जाएंगे इसके भी। ओहो, पूरे पन बढ़िया हैं जी गन्ने के, बहुत शानदार। अरे ये देखा जी, ये यहाँ ईंट की ओलट में इतना ज़्यादा बढ़िया वो नहीं हो रहा इसका। अब इसे यहाँ से पूरा उभारेंगे जी और वहीं ले चलेंगे कोने पे, यहाँ से मोड़ते हुए देखे जी यहाँ से घुमा देंगे पूरे का पूरा टिंग टोंग। और इसे लेंगे दूसरे में, तो दोस्तों हाई के दूसरे में ले चलेंगे, क्योंकि एक तक सेकंड की देर हो रही है, सूर्य देवता चले गए हैं। ये देखो जी दिन रात पेड़ी कैसी फूट रही है, अब क्या बिल्कुल सही टाइम से पेड़ी रित की है, बिल्कुल सही टाइम पे पेड़ी रहती हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा जी बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर लेके आ गए हैं जी, पिक्चर बाबा अभी तक छोड़ रहे हैं, मिंदर फ्रेश होने चला गया है। चाय वाय सबने पी ली? हाँ जी सबने पी ली। तो दोस्तों ये देखें जी, यहाँ से अभी आगे भी एक ट्रॉली बनाएंगे इसकी 35 की, जो एक गिर गया था, खराब हो गया था, हमने अपना बीज यहाँ इधर छोड़ लिया है। और दोस्तों 0118-13235 के साथ में 0238 देखो नंबर 1 पे चल रहा है जी गेहूं का। तो दोस्तों गेहूं में ही बोया जाएगा इस खेत में, 4-5 तरह के बीज बोएंगे जो हमारे मील से पास हैं। और बाकी ये है जी, अब इसे अपना ये उस दिन 3-4 पूली बचका आ गई थी, अब फटाफट इन्हें सेटिंग कर लेते हैं, जाल फैलाते हैं, बहुत जल्दी करके देखो जितने में से गन्ना कट गया कितनी स्पीड से दोस्तों पोगा बढ़ रहा है। ये थोड़ा टूट जाएगा तो ये इधर मैच हो जाएगा, क्योंकि 13235 का सारा ही पोगा नील गाय ने खा लिया है, पता नहीं क्या वजह है, ज़्यादा लगती हैं उसमें। तो दोस्तों मंदिर पर घंटा बज गया है, जय श्री माता जी। दोस्तों फटाक से जाल फैला लेते हैं, टिंग टोंग। दोस्तों अभी जो है यहाँ से किसी चीज़ के घुड़ाने की आवाज़ आई है, जैसे कोई चीज़ घुर्राती है। बबलू भाई देर ना करो, स्टार्ट करो, बहुत टाइम हो लिया। बब मैं बैठ लिया, ट्रॉली दिखा दूँ एक बार। दोस्तों ये देखें जी ट्रॉली भर गई है, अब इसे धीरे धीरे ले कर चलेंगे जी मील की तरफ, लेके चलो आराम से, लो के तीसरे में कर लो। दोस्तों मैं ट्रॉली से पीछे नहीं रहने का, क्योंकि गुर्राहट इस तरह की थी कि बहुत अजीब, आंखें तो चमक नहीं रही किसी भी चीज़ की। तो जी मैं यहाँ बराबर में ही चलूँगा, क्योंकि दोस्तों आसपास में तेंदुओं का शोर भी जल्दी जल्दी मचता ही रहता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ईंख में से इस तरह से गुर्राई है तो अब दिखी हैं दोस्तों आँख डिब्बे के पास में, आँखें ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, कुत्ता इस टाइम, कुत्ता भी हो सकता है जंगल में इस टाइम, लेकिन कुत्ता इस तरह से गुर्राता नहीं, गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे, चलो जैसी भी थी अपना जो है क्यों वाला जो जंगल में, और जंगल तो इन्हीं प्राणियों का ही है। अब तो वैसे भी रात हो रही है, रात्रि चर ज़्यादा, देखो जी अब लीक बन गई है, देखो यहाँ सब ये कुछ ले गए, ये देखो ये सब कुछ ले गए। अब दोस्तों जो ये कुछ ले पड़े हैं इनमें से ही निकल कर आना है, जो भी आएगा इनमें से ही निकल कर आएगा, मतलब होगा। तो ये दो खूट धोरे के ये बच गए, थोड़ा सा बोलूँ भाई यहाँ का आउट कर देते हैं, पर दोस्तों करना भी पड़ता है क्योंकि सामने चढ़ेगी नहीं, मूवमेंट हमारी इधर बन रही है। ये देखो क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी चढ़ी हुई होती तो फावड़े से काटनी पड़ती। ये देखो, ये देखो जी यहाँ से, यहाँ डेली थोड़े बहुत पोहे टूट जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पानी भर रहा है जी चारों तरफ। अब धीरे 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 ट्रैक्टर चल रहा है जी, गति अपनी पकड़ रहा है, मील की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखा जी गेहूं की फसल